हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस छोटा गुरु। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो कमाल की एप्लीकेशन के बारे में जो कि बहुत ही यूज़फुल हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। ये देखिए गाइस मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करके आपको उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है। नाम है गाइस ZEDG। जैसे ही आप ZEDG डालोगे गाइस ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आ गई। सिंपली आप क्लिक कर लीजिए और ये देखिए मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए और इसे ओपन कर लेते हैं गाइस। जैसे ही आप इसे ओपन कर लेंगे तो ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगी और ये ओपन होगी। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज हैं ऑप्शंस दे रखे हैं, वॉलपेपर्स, वीडियो वॉलपेपर्स एंड रिंगटोन्स। तो हमें इतना इनका यूज़ है गाइस, तो हम पहले वॉलपेपर देख लेते हैं। यहाँ पे वॉलपेपर देखिए कैटेगरी वाइज और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर हैं, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए और भी सारे एप्लीकेशन वॉलपेपर हैं, इसे इंस्टॉल करके आप सेट कर सकते हैं डाउनलोड करके भी। और रिंगटोन्स भी देख लेते हैं गाइस। इसमें देखिए न्यू रिंगटोन्स हैं सारी, ये देखिए बहुत सारी हैं आईफोन, और भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन लगेगी गाइस आपको इंस्टॉल करने के बाद। जब आप यूज़ करोगे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये तो हुई फर्स्ट एप्लीकेशन। एंड सेकेंड एप्लीकेशन गाइस डिवाइस को क्लीन करने के लिए है। वैसे बहुत सारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी डिवाइस क्लीन करने के लिए, बट ये सबसे डिफरेंट है। तो इसके लिए भी सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और सर्च बार पे क्लिक करके आपको वहाँ पे सर्च करना है HD Made Pro। ये देखिए HD Made Pro। जैसे यहाँ पे HD Made Pro क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेकेंड वाली ओपन कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, ये भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। कॉल आ गई, इसे कट कर लेते हैं। और अब आपको क्या करना है, सॉरी डिस्टर्ब हो गया। अब आपको क्या करना है, ये भी इंस्टॉल कर लेना है। अब इसका यूज़ देखते हैं गाइस। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ आपको। ये देखिए ओवरव्यू, एक्सप्लोरर, सर्चर, यहाँ पे आप सभी को क्लीन करके, और ये डुप्लीकेट भी गाइस डिलीट हो जाते हैं जितने भी आपकी डिवाइस में डुप्लीकेट होंगे। अभी मेरी डिवाइस में शायद भी एक भी नहीं है गाइस, तो आप इसका भी यूज़ करके डिलीट कर सकते हो। और डिलीट करके गाइस ये एक बार आप रिस्टार्ट करके फ़ोन बिल्कुल क्लीन हो जाए तब आप चलाना, काफ़ी पहले से फास्ट चलेगा। तो गाइस कैसे लगी आपको ये छोटी ट्रिक, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।